जितना नबी को वो पहचानते थे उतना हम नबी को नहीं पहचानते, जितना नबी को वो जानते थे उतना हम नबी को नहीं जानते। और जितनी मारिफत किसी के बारे में पक्की होती है, ज़्यादा होती है, जानकारी जितनी ज़्यादा होती है तो उसके अच्छे कामों की वजह से उससे मोहब्बत का जज्बा भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सहाबा किराम की मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाद के लोगों की मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसके दरमियान भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारे ज़माने में सुबह से शाम तक हम कसीदा खानी कर सकते हैं, नात गोई कर सकते हैं, रसूल अकरम के फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर इताअत और फर्मा बरदारी का कहीं पर सवाल हो और इम्तिहान आ जाए तो हम देखते हैं कि रसूल का फरमान हम एक तरफ रख देते हैं, अपने बाप की मानते हैं, अपने दादा की मानते हैं, दादी और नानी की मानते हैं, घर की औरतों की मानते हैं, कबीले के चौधरी की मानते हैं, बिरादरी की मानते हैं, और भी बहुत सारे लोगों की बात मानते हैं, लेकिन नबी की बात को एक तरफ रख देते हैं। किस लिए? जो हम दावा कर रहे थे कि हम नबी को जानते और पहचानते हैं, हकीकत में हमारी मारिफत कच्ची थी, अधूरी थी, हमने पूरे तरीके से जाना नहीं था नबी को। अगर जान लेते हमारी मारिफत भी उतनी ही पक्की होती जैसे नबी अकरम के सहाबा की, हज़रत अबूबकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, साद, सईद, इन हजरात की जैसे मारिफत थी, तो ये नमूने हम ना देखते। ग़ज़वे बद्र के मौके पर जो 70 कैदी बड़े बड़े, और ये सारे के सारे वो लोग थे जो अपने ज़माने के शहसवार थे, लड़ाकू थे, जिन्होंने मुसलमानों का जीना दोभर कर रखा था, जो मुसलमानों के खून के प्यासे थे, जिन्होंने मक्के से मुसलमानों को निकाल कर खदेड़ कर मदीना जाने पर मजबूर कर दिया था, ये सारे के सारे वो लोग थे। मदीने में रह रहे मुसलमान मक्के से बहुत दूर, फिर भी उनको चैन नहीं है, वहां से भी यहां सताने के लिए आते हैं। जब 70 कैदी इस किस्म के रसूल अकरम की खिदमत में आए, हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक और दीगर सहाबा किराम, रसूल अकरम ने शूरा बुलाई और उनके सामने ये मामला रखा, क्या किया जाए इन लोगों के साथ। हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब और था और हज़रत उमर फारूक का जवाब और था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने साफ तरीके से बात कही थी कि उसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी। फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये जो आदमी आए हैं 70 कैदी, ये जंगी कैदी हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा जीना दोभर कर रखा है। इसमें एक तो आपके चचा हैं, एक मेरा भाई है, सगा भाई, और एक ही अबू बकर बैठे हुए हैं, इनका बेटा है, सगा बेटा, और हम तीन आदमी ऐसे ही दूसरे लोगों के रिश्तेदार हैं। मेरी अपनी राय तो यह है कि आप अपनी तलवार से अपने चचा की गर्दन उड़ाएं, मैं अपनी तलवार से अपने भाई की गर्दन उड़ाऊं, और अबू बकर अपनी तलवार से अपने बेटे की गर्दन उड़ाएं। किस लिए? ताकि ये लोग जान लें कि दीन के मुकाबले में, ताकि ये जान लें कि अल्लाह के मुकाबले में हमें रिश्तेदारियां अजीज नहीं हैं। और ये बात सारे लोगों को पहुंचनी चाहिए कि हमारे नज़दीक जितनी ताज़ीम, तौक़ीर, मोहब्बत, ताल्लुक हमारे अल्लाह का, हमारे नबी का है, इतना ताल्लुक हमारा किसी से नहीं है, न बाप से, चचा बाप की जगह में है, न भाई से, मेरा भाई,
نہ بیٹے سے، ابو بکر کا بیٹا، یہ پیغام جانا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس دل گردے سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، کیوں کہی؟ انہی کی ایک حدیث مسلم شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عمر فاروق اور رسول اکرم جا رہے ہیں، صحیح حدیث۔ اچانک حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے باپ سے زیادہ، میرے بھائی سے زیادہ، میری ماں سے زیادہ، میرے رشتہ داروں سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر کبھی موقع پڑے باپ کے مقابلے میں آپ، رشتہ داروں کے مقابلے میں آپ، بیٹوں کے مقابلے میں آپ کو بچانے کا، تو میں سب کو قربان کر دوں گا، آپ کو نہیں کر سکتا، الا نفسی، لیکن اپنی جان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ابھی ایمان کچا ہے، ابھی ایمان کچا ہے۔ جو آدمی اپنے باپ کو قربان کر دے، اپنی ماں کو قربان کر دے، اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دے، اس آدمی کا ایمان کچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کچا ہے ایمان۔ حضرت عمر نے بہت معمولی وقت کے لیے سوچا، پھر فرمایا، اللہ کے رسول، اب آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، اگر بات میری قربانی اور آپ کی قربانی کی، آپ کو بچانے اور اپنی جان کو بچانے کی بات آئی، تو اللہ کے رسول، آپ کو بچاؤں گا، اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ فرمایا، الان یا عمر، عمر، اب ایمان مکمل ہوا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، الان عرفت فنطقت، اب تمہاری معرفت، تمہاری جان پہچان، تمہاری معلومات پکی ہوئی، اس لیے تم نے بات پکی کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے لیے ضروری ہے نبی کی معرفت، نبی کو پہچاننا۔ جتنا زیادہ پہچان پکی ہوگی، اتنی زیادہ محبت پکی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کئی بڑے بڑے احسانات کا تذکرہ فرمایا، یہ کام کرتا ہے میرا نبی۔ کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اگر نبی نہ سناتا تو تم کبھی نہ سن پاتے۔ یہ احسان اللہ کا اور یہ احسان نبی کا۔ ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تم چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، زانی تھے، بھائی بھائی کو مارتا تھا، اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کو دبا آتا تھا، دفن کر دیتا تھا، تمہارے دلوں سے ان ساری برائیوں کو کھرچ کر نبی نے پھینک دیا۔ آج تم ان برائیوں سے نفرت کرتے ہو جن سے کل تم محبت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح حدیث، مجلس میں بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، ساری باتیں مانوں گا،
अल्लाह को रब मानूंगा, आपको नबी मानूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, सारे इस्लाम की सारी बातों को मानूंगा, बस एक चीज की इजाजत चाहता हूं, वो मेरे लिए आप हलाल कर दीजिए। सारे लोग हैरानी से देख रहे हैं उसको, अल्लाह के रसूल भी और सहाबाए किराम भी, क्या बात। कहता है अल्लाह के रसूल, जिना को मेरे लिए हलाल कर दीजिए, मेरे दिल में जिना की मोहब्बत, ख्वाहिश, शहवत इतनी है कि मैं बगैर इसके रह नहीं सकता, बाकी सारी बातों को इस्लाम की मानूंगा, किसी एक बात में भी मुझे आनाकानी नहीं है, सारी बातें मानूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अजिल्ला सहाबा किराम मजलिस रसूल में बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको घूरना शुरू किया, कितना बदतमीज आदमी है, इसको शर्म नहीं आ रही अल्लाह के रसूल के सामने, और ऐसी बदतरीन बात। जितने लोग मजलिस में बैठे थे, किसी आदमी ने भी उस आदमी की इस बात को अच्छा नहीं माना, और सबने ही उसको बुरा भला कहा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, जरा करीब आ जाओ। करीब कर लिया। रावी बयान करते हैं कि इतना करीब कर लिया कि आपके घुटने और उसके घुटने मिल गए। सहाबा कराम को ताज्जुब हो रहा है, कितना बदतरीन आदमी है ये, इतनी बड़ी बुराई के लिए इजाजत मांग रहा है और अल्लाह के रसूल इसको करीब कर रहे हैं। अरे इसको तो भगा देना चाहिए था। आजकल अगर हम में से कोई आदमी होता, आज के जमाने के उलमा, मुफ्तियान किराम और जितने भी अलकाब व आदाब आप लोग जानते हो, वो सारे लगाकर किसी भी आदमी के बारे में सोचो कि उसके सामने अगर ऐसी कोई बात कहता तो वो क्या करेगा। उसके सामने जाहिर है कहेगा कि मेरी बेइज्जती के लिए आया है, मुझसे मजाक कर रहा है, ठट्टा कर रहा है, और इसको फौरन भगा देगा, बहुत सारी गालियां देगा। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन का दरबार है, जिसकी एक सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, वह युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करता है ये नबी। करीब आ जाओ। आ गया। पूछा, ये बतलाओ, ये जिस चीज की तुम इजाजत मांग रहे हो, अगर यही काम कोई आदमी तुम्हारी मां के साथ करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, छोड़ूंगा नहीं उसको। अच्छा, अगर तुम्हारी बहन के साथ यही काम कोई करे तो तुम पसंद करोगे? हरगिज नहीं अल्लाह के रसूल। तुम्हारी खाला के साथ करे, एक एक रिश्ता जो बहुत ही अहमियत रखता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया और हर एक रिश्ते के मुकाबले में वो यही कहता रहा, हरगिज मैं पसंद नहीं करूंगा और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम जिस चीज की इजाजत मांग रहे हो, जिस औरत के साथ भी करोगे वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की बहन होगी। जब तुम पसंद नहीं करते अपनी माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी के साथ, दूसरे लोग क्यों पसंद करेंगे? और करीब हो जाओ। और करीब हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रखा, फरमाया अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा, ऐ अल्लाह इसके दिल को इस बुराई से हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दे। दुआ फरमाई। लोग बयान करते हैं, सहाबा किराम का बयान है उस नौजवान के बारे में कि फिर उसके बाद किसी आदमी ने उसे किसी खातून की तरफ देखते हुए नहीं पाया। वयुज़क्कीहिम, ये नबी तज़किया नफ्स करता है, बरसों की बैठी हुई बुराई
दिल से ऐसे खुरच के फेंक देता है जैसे तो इस आदमी को कभी इससे वास्ता ही नहीं रहा। बच्चियों को गड्ढा खोद के जिंदा ही दफन कर देना, ये बाप दादा से रस्म चली आ रही थी। और सिर्फ निखवत की वजह से ये बच्ची बड़ी होगी, कहीं किसी ने इसके साथ बुराई की तो मेरा खानदान बदनाम होगा, हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, मुझे उससे बहुत कुछ लेना और देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ऐसी ही बहुत सारी जाहिली असबियतें निखवतें हमारे दिमागों में भी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उरूज पर थी और ये कोई बुराई नहीं थी, बल्कि इसको लोग अच्छाई समझ कर करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुराई को उनके दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए खुरच के फेंक दिया, और फिर ये बुराई उनके दिलो दिमाग से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करता है। दूसरे कबीले पर रात को शबखू मारना, उनके बच्चों को चुरा के ले आना और बाजार में गुलाम बनाकर बेच देना आम सी बात थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में अरब में इतना अमन हो गया, इतनी शांति हो गई, जहां हर वक्त हर जगह लूट मार, चोरी चकारी, जिनाकारी, बदकारी, बदमाशी, बदमामलगी फैली हुई थी, लोग बड़े बड़े मेलों में, हजारों के मजमे में किसी भी बड़े से बड़े सरदार की बहू बेटी के साथ किए हुए, रात गुजारे हुए वाकयात को शेरों में फख्र से बयान करते थे। मक्के में हज के मौसम में बाजार लगते थे, मेले, उकास, जुल्मजाज, मजन्ना, और इनमें बड़े बड़े शायर अलग अलग कबीलों के आते थे और वो ये सारी चीज़ें बयान करते थे। ये कोई बुराई नहीं थी। औरतें अपने घरों पर बाकायदा झंडा लगाया करती थी बुराई के लिए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सालों की मेहनत के नतीजे में वो पाकीज़गी, वो पाक दामनी, वो इफ़्फ़त, वो इस्मत देखने को आई कि कोई इंसान, कोई मर्द किसी औरत की तरफ बुराई की नज़र से नहीं देखता था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम देखोगे कि यहाँ अरब से मक्का और मदीने के शहरों से सना तक एक औरत अकेली तने तनहा ऊँट पर बैठकर जाएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, न चोर का, न डाकू का, न लुटेरे का, न बलात्कारी का, किसी का नहीं। और मुअर्रखीन ने ये वाकयात लिखे कि ऐसी औरतों को अकेले तन्हे तन्हा अकेले सफर पे सफर करते हुए लोगों ने देखा और कोई चूँ करने वाला उनके साथ नहीं था। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल्हिक्मा, किताब सिखाते हैं, हिकमत और दानाई की बातें सिखाते हैं, बुराइयाँ उनके दिलों से मिटा देते हैं और उनको आकिल और फाहिम बना देते हैं। आज देखो, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, अक्सरियत उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, मदरसे का मुंह देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज देखो बड़े बड़े इदारों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके नाम बड़े एहतराम से लिए जाते हैं और उनकी बयान की हुई बातें, उनकी रिवायत की हुई हदीसें लोग पढ़ पढ़कर अपने आप को आलिम, फाजिल और अल्लामतुद्दहर समझते हैं। अनपढ़ थे, किसी मदरसे, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं गए, सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत थी
और इत्तिबा आपके पीछे चलना, जो सुनना उस पर अमल करना, बस इतना सा काम किया था उन्होंने और उसकी बरकत से ज़माने भर के रहनुमा और हादी बन गए, सलातीन आलम बन गए। दुनिया की तारीख पढ़ो, अरब के खित्ते को किसी भी तारीख में तुम नहीं देखोगे कि यहाँ पर कोई बादशाह पैदा हुआ, यहाँ इनका कोई सिक्का चलता था। अरब का जो खित्ता ईरान से मिलता था ये ईरानियों के मातहत थे, जो शाम से मिलता था वो शामियों के मातहत थे, ईसाइयों के, इनकी अपनी तो कोई हुकूमतें नहीं, तवायफुल मुलूक की थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो हुकूमतें मिट गईं। फारस की हुकूमत मिट गई, कैसर की हुकूमत मिट गई, किसरा की हुकूमत मिट गई, और मुसलमानों ने दुनिया के हर बर्रे आज़म में अपना वजूद तस्लीम कराया। और जिस इलाके में निकल गए दुनिया में कोई ताकत उनका रास्ता रोकने वाली नहीं मिली। ये कब तक? जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी मुसलमान करते रहे, आपके उसूल को अपनाते रहे। तो मैं जिक्र कर रहा था कि इत्तिबा के लिए ज़रूरी है मारिफत रसूल, रसूल को जानना। इसीलिए मैं कहता हूँ आज के ज़माने में मुसलमानों की इसलाह का नज़्म अगर कोई जमात चलाना चाहती है तो सबसे पहले रसूल की सीरत पढ़वाई जाए, उनको बताया जाए कि पहले रसूल को जानो, रसूल की सीरत पढ़ो। रसूल आए थे, दुनिया की हालत क्या थी, और सिर्फ चंद सालों में 13 साल मक्के के जो मज़लूमियत के दिन थे और 10 साल मदीने के, इन 23 साल की ज़िंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, ये रसूल की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसके पीछे कौन सी कुव्वत काम कर रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम जानेंगे नहीं रसूल हैं क्या, तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी, नहीं बदलेगी। फिर मारिफत के साथ साथ मोहब्बत, अगर हम इताअत करते हैं किसी की लेकिन मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं है दिल में तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। इताअत बगैर मोहब्बत के हो ही नहीं सकती, वो जबर होगा और जबर के लिए इस्लाम में जगह नहीं है। इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़कद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअया फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, सुन्नत मेरा तरीका, मेरे कौल, मेरे फेल, और मेरे ज़माने में जो कुछ हुआ मैंने देखा और उसको सही करार दिया, ये सब कुछ यही है सुन्नत रसूल। इससे जो आदमी मोहब्बत करता है, चाहे वो छोटी सी सुन्नत मालूम हो हमें, मामूली चीज़ नज़र आए, लेकिन जो आदमी इसको पसंद करता है फ़कद अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और जो मुझसे मोहब्बत करता है कान मअया फिल जन्ना, वो आदमी जन्नत में मेरे साथ होगा। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल उम्मती यदखुलून अल्जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन जो इनकार करता है ना, इनकारी है, वो नहीं जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा, कौन है जो आदमी जिसको आप कह रहे हैं इनकारी है, ये इनकार करने वाला कौन है? फरमाया मन अताअनी दखल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जिस आदमी ने मेरी इताअत और फरमाबरदारी की, मेरी इताअत और फरमाबरदारी की, दखल अल जन्ना, वही जन्नत में जाएगा। व मन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात नहीं मानी, मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया, फकद अबा, यह है वो आदमी जो इनकार करने वाला है, इसको जन्नत नहीं चाहिए, यह जन्नत में नहीं जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है?
शख्सियत क्या है, दर्जा क्या है, मर्तबा क्या है। इताअत और फरमाबरदारी के लिए ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। एक आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा में 65 नंबर की आयत में फरमाता, फलियहदर الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم। जो लोग मेरे नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, फलियहदर الذين يخالفون عن امري, मेरे नबी की बात नहीं मानते, दूसरों की बात मानते, इन लोगों को डरना चाहिए। किस चीज से? अंतुसीबहुम फितना, कि कहीं इनको फितना ना आकर पकड़ ले, फितने में ना पड़ जाएं ये लोग। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अज़ाब अलीम इनको आकर ना चिमट जाए। अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब। अगर आप सूरत हाल मुसलमानों की इस वक्त देखें, हमारे हिंदुस्तान में तो अल्लाह का फजलो करम है, सब तरह के हालात हैं, आराम चैन भी है, सुकून भी है, फसादात भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब तरह के हालात चल रहे हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान के बाहर ज़रा नज़र उठाकर देखें, कितनी मजबूरी की, मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान। क्यों ऐसा है? अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब ने उनको पकड़ रखा है। रातों की नींदें, दिन के चैन व सुकून, खाना पीना, ओढ़ना बिछौना, सारी चीज़ें दरहम बरहम हो गई हैं और ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। किस लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे नबी की बात नहीं मानोगे, दूसरों की बात मेरे नबी की बात से आगे रखोगे, तो फितने में मुब्तला हो जाओगे और दर्दनाक अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। अब जो सूरत हाल है, इस आयत करीमा की रोशनी में तज़िया करो उम्मत का, ये किस लिए है, तो आप सही नतीजे पर पहुंचोगे कि ये किस लिए हो रहा है। अगर आप चाहते हो ये हालात बदलें, तो आपको वो चीज़ इख्तियार करनी पड़ेगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, मेरे नबी की मुखालफत ना करो। क्या करो? इताअत करो। मा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु। मेरा रसूल जो तुम्हें हुक्म दे उसको बजा लाओ, और जिस बात से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इसमें हिकमत क्या है? इसमें फलसफा क्या है? ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों ना करें? और अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या हर्ज है? ऐसा कर लेने में क्या हर्ज है? फलां साहब तो ऐसा कहते हैं और फलां साहब ऐसा कहते हैं। ये इत्तिबा नहीं है, ये इताअत नहीं है, ये फरमाबरदारी नहीं है। ये फरमाबरदारी के सामने इनकार की दीवारें खड़ी करना है। ये रसूल से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का नाम लेकर अदावत करना है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है बिला शिरकत, गैरे, बगैर किसी शर्त के मेरे नबी की बात मान लो, तुम्हारी समझ में आए तो भी मान लो, नहीं समझ में आए तो भी मान लो, मानने ही में तुम्हारी भलाई है। और अगर इनकार करोगे तो याद रखो कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा कदईत व युसल्लिमू तस्लीमा। दावा इस्लाम का, दावा मुसलमान होने का, दावा मोमिन होने का हमको, आपको, सभी को है। सारे लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन खाली दावे से होता क्या है? आप दावा करो मैं दुनिया का बादशाह हूँ, बात आपकी घर वाले भी नहीं मानते, तो इससे हासिल क्या है? दुनिया वाले आपको पागल कहेंगे कि ये आदमी पागल है, बात इसकी कोई मानता नहीं और अपने आप को बादशाह कह रहा है। जरा इस आयत करीमा को तो देखो, फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका, सबसे बड़ी कसम है कुरान में, ये